नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो हिंदुस्तान के लिए आज वी डे यानी वैक्सीन दिवस, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी पहले यह सवाल पूछा करती थी कि हिंदुस्तान में वैक्सीन कब आएगी, और अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है तब भी कांग्रेस पार्टी उतनी ही कंफ्यूज है जितनी पहले थी। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? दरअसल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष तिवारी ये पूछ रहे हैं कि सरकार के मंत्री ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। अब जवाब उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीन की तारीफ की है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वैक्सीन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की इसी कंफ्यूजन को और ज्यादा तफसील से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के सीएम। तो एक तरफ मनीष तिवारी जो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा है। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया है, अमरीका में जो बाइडन है, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हर मुल्क में ये प्रक्रिया उठाई गई है। तो मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्रियों ने टीका क्यों नहीं लगवाया। आप पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वैक्सीन हम सबके लिए जरूरी है। देखो तुसी साइड इफेक्ट्स दा हुण जिहड़े कह रहे ने, दिस इज विदाउट रियलाइजिंग, तुसी आर्टिकल्स पढ़ो बाय द वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, बाय पीपल, इवन टुडे अखबारों आया हुआ है दैट दिस इज ऑल नॉनसेंस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड देर इज नो केस ऑफ एनी वरी फॉर एनी बॉडी। ऑल योर साइंटिस्ट, ऑल योर डॉक्टर्स आर सेइंग दैट इज परफेक्टली सेफ, एवरीबॉडी हैज हैड इट। आई मीन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैज हैड इट, शी इज 93 ईयर्स ओल्ड, her husband has had it who's 99 years old, so what is the fear? There's no meri bahut shubhkamnaye, koi ghabrane ki zarurat nahi hai, vaccine aavashyak hai aur vaccine lagane ke baad mein bhi, kyunki hamari abadi 7 crore ki hai, rajasthan 7 crore se adhik ki hai, desh ki abadi 130 crore ki abadi hai, ek se 1.5 saal lagega pura vaccine hone mein, chain tabhi tutegi tab hum log protocol ka paalan karte jayenge lagatar, तब जाके ट्रेन छूटेगी, वो छूटना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि किसका भरोसा करें, मनीष तिवारी जो वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, जबकि दुनिया भर में देखा गया कि जो हेड्स ऑफ स्टेट थे या जो बड़ी शख्सियत थी उन्होंने वैक्सीन लगवाई, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत, एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक कहते हैं कि वैक्सीन अच्छी है, हमारे साइंटिस्ट पर भरोसा किया जाना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च पर भरोसा किया जाना चाहिए, वहीं अशोक गहलोत भी इस वैक्सीन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर डिवीजन इस वक्त दिखाई दे रहा है। वहीं वैक्सीन को लेकर सियासत हुई, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अब अपने सुर बदल लिए हैं। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर यह कहा था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, वो इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। आपको याद होगा काफी विवाद हुआ था, लेकिन आज वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने के बाद अखिलेश यादव ने ये कहा कि टीकाकरण का शुभारंभ खुशी की बात है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है,
और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने। और अब वैक्सीन आ गई है, कभी साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटरी लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। हम अपनी सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। तो बस सवाल बदल रहे हैं, पहले सवाल था वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन आई तो वैक्सीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है, फिर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई, अब सवाल ये कि ये वैक्सीन लोगों तक कब पहुंचेगी, सभी लोगों को कब तक लगेगी। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, दो बातें, एक तो कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तरह का डिविजन हम देख रहे हैं, या फिर मैं कहूं कंफ्यूजन हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वही अखिलेश यादव जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है हम, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, अब वो कह रहे हैं कि नहीं देश की वैक्सीन। अदिति देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उन्हें आखिरकार जिस तरह से अखिलेश यादव आज दूसरी भाषा बोलने लगे हैं, दूसरी बोली बोलने लगे हैं, वापस उसी ट्रैक पर आ गए हैं कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी नेताओं को इसी ट्रैक पर आना होगा, चाहे वो मनीष तिवारी हों या और हों। अदिति, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज एम्स के अंदर जब डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने वैक्सीनेशन हो रहा था, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस वैक्सीन की डोज को लगवाया और डॉक्टर वी के पॉल ने लगवाया, हमने तीनों ही लोगों का इंटरव्यू किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा हाथ जोड़ करके, भैया कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है। और जिन डॉक्टर वी के पॉल ने इस वैक्सीन को लगवाया है, तकरीबन डेढ़ घंटे बाद हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर अपील की, जो आरएमएल के कुछ डॉक्टर भी कह रहे थे कि हमें कोवैक्सीन नहीं लगवानी, उनसे भी हाथ जोड़कर अपील की और देश के तमाम नेताओं से कि देखिए दोनों वैक्सीन एक समान है, एक समान सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और आज इसीलिए कोवैक्सीन डॉक्टर वी के पॉल ने भी लगवाई और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लगवाई, ताकि किसी भी नागरिक के मन में देश के कहीं कोई संदेह ना हो। जो राजनेता इस तरह के बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह फैला रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब देश की तमाम शख्सियतें, देखिए एम्स जैसे अस्पताल के हेड डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं और वो देश भर के लोगों को बता रहे हैं कि देखिए दो घंटे वैक्सीन को लगे हो गए हैं, वैक्सीन सेफ है और आप सब लगवाइए, किसी अफवाह में ना पड़िए। फिर इस तरह के जो नेता अपने बयान, चाहे मनीष तिवारी हों या फिर और कोई कांग्रेसी नेता हों, ये बयान अपनी राजनीति के लिए दे रहे हैं लेकिन ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये इस तरह के बयान किसी को नहीं देने चाहिए। तमाम डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं और आज एम्स के दो दो बड़े डॉक्टर्स ने और एम्स के बड़े डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारियों, स्टाफ ने, इन सब ने वैक्सीन को लगवाया, वो भी कोवैक्सीन को लगवाया, जिसको लेकर कांग्रेस बार बार सवाल उठाती रही है, यानी ये दोनों वैक्सीन सेफ है। अदिति ब्रह्मा, आप कह रहे हैं कि इन सभी ने को वैक्सीन लगवाई? बिल्कुल बिल्कुल अदिति, देखिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोवैक्सीन लगवाई और इसके अलावा डॉक्टर वीके पॉल ने भी कोवैक्सीन लगवाई और एम्स में जिनको वैक्सीन दी जा रही है वो कोवैक्सीन ही है। इसमें सफाई कर्मचारी भी है, मनीष जिनका हमने इंटरव्यू दिखा है आपको, जो कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी को जवाब भी दे रहे थे कि मनीष तिवारी कह रहे हैं कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सब ने कोवैक्सीन को लगवाया है और ऐसे लोगों को जवाब भी दे रहे हैं कि देखिए आप इस तरह की अफवाह ना फैलाइए, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन देश के लोगों के लिए है और दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है। अदिति, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है और आपको भी ये सोचना है कि आप जब हम वैक्सीन की बात करें तो आप किस पर भरोसा करेंगे, आप देश के साइंटिस्ट, देश के रिसर्चर्स, देश के डॉक्टर्स पर भरोसा करेंगे या फिर आप नेताओं पर भरोसा करेंगे। देशभर में कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है, वैक्सीनेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना है भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक लंबा सफर तय किया है। भूले नहीं 30 जनवरी 2020 को यानी पिछले साल के शुरुआत में देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और फिर 19 मई को कोरोना के मामले बढ़कर 1 लाख हो गए थे। यही मामले 17 जुलाई को बढ़कर 10 लाख और फिर 16 सितंबर को 50 लाख हुए।
19 दिसंबर को ये मामले बढ़कर 1 करोड़ हो गए और आज जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो ये संख्या 1,05,00,000 है। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी वैक्सीन लगवाई है। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार इस वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर वीके पॉल हैं जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई है एम्स में। डॉक्टर साहब, आपने पहली वैक्सीन ली है देश के लोगों में भरोसा जताने के लिए, सबसे पहले अपना अनुभव बताइए आपने वैक्सीन। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस शुरुआत के वैक्सीनेशन के दौर में मेरे को चिन्हित किया गया, मेरी बारी आई, एम्स के साइट पे लगी। मैं एम्स से एसोसिएटेड हूँ, फैकल्टी हूँ, स्टाफ था अभी तक थोड़े दिन पहले तक, तो यहाँ पे आया हूँ, स्वास्थ्य कर्मी भी हूँ, तो इसलिए मुझे चिन्हित किया गया। मैं यहाँ आया हूँ और मुझे वैक्सीन को वैक्सीन दिया गया और मैंने बड़े गर्व से, बहुत गर्व से और ग्रैटिट्यूड से, थैंक्स करके कि मुझे ये मौका मिला और मुझे ये वैक्सीन उपलब्ध हुआ, मैंने लिया है, मेरी पत्नी ने भी लिया है, उनको यहाँ काम करती है, उनकी बारी भी आ गई, तो हमने वैक्सीन लिया है, वैक्सीन मिला, वैक्सीन सेफ है। मैं आपके सामने समक्ष हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और आप मैं, जी आपने तो आधा घंटे ऑब्जर्वेशन हो गया, वहाँ बैठ के पानी पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे डॉक्टर साहब के, डायरेक्टर साहब के साथ। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब। लोगों ये भी जानना चाहेंगे कि इसके क्या हल्के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बुखार होते हैं, थोड़ी कोई दर्द होगी, कोई रैश हो जाएगा और कोई हरारत हो जाएगी, वो भी सबको थोड़ी होती है। हाँ। किसी को 200 में से एक को हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर पॉल, आप एक बैकबोन रहे हैं पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बड़ा अनुभव आप, और लोगों को ये बताइए कि जो लोग इस तरह बयान देते हैं कोवैक्सीन ना लगवाएं, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर की भी खबर आ रही है आरएमएल से, लोगों को ये मैसेज दीजिए। ये बहुत दुख की बात है, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें जो उन्होंने कही उनको सुन के, उनको बातों को अपनाइए। उनकी लीडरशिप में भारत ने एक बहुत बहुत सक्षम लड़ाई लड़ी है और जो लोग वैक्सीन से हेजिटेंट हो रहे हैं, मना कर रहे हैं, मेरा गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने प्रोडक्ट में, अपने देश की व्यवस्था पे फेथ रखिएगा, इसमें जुड़ो, आप रोल मॉडल बनो। डॉक्टर साहब, एक तस्वीर ये भी साफ कर दीजिए कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है किस उम्र के लोगों को लगेगी आगे, जब जनता 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी लगेगी। देखिए, जब हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा रहे हैं, तो 18 साल के उम्र के लोगों को सबको लग जाएगी, वहाँ तक है बच्चों को अभी कोई वैक्सीन टेस्ट नहीं हुआ है। ये ग्रुप होने के बाद में सबसे पहले 50 साल के उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगा, क्योंकि उन्हें ही कोविड-19 की बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा जानलेवा रिस्क होता है। और उसके बाद में जिनको बीमारियां हैं उनको कवर करेंगे। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें जुड़िए और शुरुआत हुई है आज और इस शुरुआत को आगे बढ़ाइए। तो आप लोगों को ये आगे बताएंगे कि कौन किस बीमारी से पीड़ित है, वो लगवा सकता है? सब समझा देंगे। कोई भी बीमारी जो है जिसमें ये नहीं लगता, वो सिर्फ यही है कि अगर पहले आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होते थे, या महिला जो है वो गर्भवती है या दूध पिला रही है अपने बच्चे को, या कि खून निकलने की बीमारी है, क्योंकि जब टीका लगे तो खून इकट्ठा हो जाएगा, दर्द होगी। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डायबिटीज वाले को लगे, हार्ट वाले प्रॉब्लम को लगे, किडनी वाले को, इनको लगाना चाहिए, बल्कि कैंसर वाले को भी लगाना चाहिए, ताकि वो और भी ज्यादा तरीके से बच सके। डॉक्टर, अंतिम सवाल आपसे, लोगों तक, आम लोगों तक कब तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, वो लोग कब शुरुआत तक? शुरुआत आज हो गई है। हाँ। कुछ ही हफ्तों में बहुत जल्दी दूसरी मुहिम जो है फ्रंटलाइन वर्कर की शुरू हो जाएगी, और उसके बाद कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में तीसरी मुहिम में सबके सब जो बाकी व्यक्ति हैं 50 साल की उम्र वाले, वो जुड़ जाएंगे। अब सिर्फ छोटा इंतजार रह गया है, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलने के लिए स्टेप वाइज जो अप्रोच रही है उसमें फेथ रखिए, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, और उसके बीच में अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से बचाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पॉल हैं जिन्होंने खुद वैक्सीन ली है, वो कह रहे हैं, आम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, जल्द ही आप तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.